अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली से हैं आप लोग बिल्कुल व्लॉग एंड बी लेटेड हैप्पी ईद। तो कैसी गुजरी आप लोगों की ईद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या किया, क्या खाया, कहाँ गए। मुझसे आप लोग अपनी ईद की छोटी छोटी खुशियाँ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ रमज़ान में बहुत चिकन के आइटम, रमज़ान से पहले भी बहुत गोश्त, बीफ, चिकन, फिश, ये सब हमने शेयर किया। तो हमने कहा चलें जी अब बढ़ते हैं थोड़ी सादी रूटीन की जानिब। आज हम शूट करने जा रहे हैं कबाब फली की रेसिपी, और बहुत कम घरों में ये रेसिपी बनती है, और कुछ लोग इस वजह से भी इसको नहीं बनाते, कहते हैं कि बहुत कड़वी होती है और खाने में इसका टेस्ट बहुत कड़वा आता है, इस वजह से हम नहीं बनाते। तो मेरी इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जो लोग खाना तो चाहते हैं बट वो गवार फली की कड़वेपन की वजह से ये सब्ज़ी घर पे नहीं बनाते। तो एक बार जो लोग नहीं खाते और जो लोग बनाना चाहते हैं नहीं बना पाते, उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस रेसिपी को ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा। इंग्रेडिएंट बहुत थोड़े से हैं आज और आप लोगों के सामने है, जिसमें मैंने ले ली है गवार फली, कट कर लिया है मैंने इसको, और इसमें मैंने एक छोटा सा प्याज जो है वो कट करके ऐड कर दिया है। इस प्याज का भी रीज़न मैं आप लोगों को बता दूँगी। और मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 3 अदद टमाटर, 3 अदद हरी मिर्चें, और ये मैंने ले लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसको कट कर लिया है। और स्पेशल इंग्रेडिएंट हमारी रेसिपी का लाल इमली, खट्टा भरी जो होती है, काली इमली इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, लाल कीजिएगा। और थोड़े से स्पाइसेस आपके सामने हैं, जिसमें है नमक, चाट मसाला, कुटी लाल मिर्च, पाउडर वाली लाल मिर्च, जीरा, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। ये हैं हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ, मैंने एक्सेप्ट किया है यूट्यूब का डेली व्लॉगिंग का चैलेंज, और आज से मैं डेली एक व्लॉग यूट्यूब पर अपलोड किया करूँगी, जिसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। उसमें हो सकता है मेरा मेकअप ट्यूटोरियल हो, मेरा डेली रूटीन हो, और हो सकता है उसमें मेरी कुकिंग व्लॉगिंग हो। तो डेली का कोई भी एक व्लॉग मैं ज़रूर 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 अपलोड करूँगी। चलें जी बातें हमने कर ली बहुत सारी, बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। भाई मैं पानी पहले ही रख दिया था और फ्लेम ऑन कर दिया था, अब हमने क्या करना है इसमें ऐड कर देनी है अपनी फली, और जो हमारा एक कटा हुआ प्याज था वो भी। और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, जब ये थोड़ा सा बॉयल हो जाएगी फिर हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे, ताकि इसका जितना भी कड़वापन होगा फली का वो सारा का सारा इसमें से निकल जाएगा। इसको थोड़ा टाइम लगेगा बॉयल होने के लिए, इसलिए इसको हम रखते हैं बॉयल होने के लिए, और मिलते हैं इसके बॉयल होने के बाद। आप ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमारी जो है वो फली जो है वो बॉयल हो चुकी है। इसको बॉयलिंग के साथ साथ हम इसको मैश भी करते जाएंगे, ताकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अभी पानी है तो उसको थोड़ा सा और हम बॉयल होने देंगे, जब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इसको रख देते हैं, रख दिया है मैंने पैन, अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी ऑयल। अब हम ऑयल को अच्छे से हीट अप होने देंगे। हमने इसमें ऐड कर दिए हैं प्याज, डलना शुरू हो गए हैं, हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें अब हम ऐड करेंगे साबुत जीरा, टमाटर, लहसुन अदरक अच्छे से आएगा और इसकी वो स्मेल लग जाएगी। तो हम इसमें जो है टमाटर ऐड कर देंगे, साथ में हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं स्पाइसेस जिसने मैंने ले लिया है हसबेंड जायका नमक, थोड़ी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, साबुत लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला। हम इसमें अपने सारे स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने कट कर लिए हैं और एक साथ मैंने साबुत ले लिया, और टमाटरों को अच्छे से हम गलने देंगे, और टमाटरों को गलने से पहले हम इसमें फली ऐड कर देते हैं, ताकि फली और टमाटर दोनों एक साथ गलें तो टेस्ट बहुत अच्छा सा डेवलप हो जाए। हमने इसमें ऐड करके बॉईल कर ली,
सारी फलियाँ इस तरीके से इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये टमाटर के साथ अच्छा पके, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा सा ध्यान दो, साथ ही साथ हम इसको अच्छी तरह इस तरीके से बनाते भी जाएंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने सारी फली जो है इसमें ऐड कर दी है बॉईल की हुई, अभी तो ये बिल्कुल साबुत साबुत है, इसको अभी पकने के लिए हम रखेंगे इस तरीके से स्पून की मदद से मिक्स जैसे करते हैं मैश, इस तरीके से हम इसको मैश करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। देख सकते हैं मैंने इसको इस तरीके से मैश किया है, थोड़ा अभी काफ़ी बाकी है, इसको हम बहुत अच्छे से जो है वो हल्की आंच पे पकने के लिए रखा हुआ है हमने और इसको हम अच्छे से मैश कर रहे हैं। और जब आप इसको अच्छे से मैश करेंगे और इसमें फिर एंड में इमली डाल के इसको दम पे रखेंगे ना, फिर जब आप खाएंगे ना तो इसका जो टेस्ट होगा वो बहुत ही लाजवाब मिलेगा आपको। अच्छे से मिक्स करेंगे, और जब इमली बिल्कुल अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगी देन हम इसको ढक के तकरीबन 10 से 15 मिनट जो हल्की आंच पे बिल्कुल पकने देंगे दम के लिए। पक तो ऑलरेडी ये क्या है जिस इसको दम पे रखेंगे ताकि जो इमली का जो टेस्ट है वो पूरी फली में डेवलप हो जाए। ये आप देख सकते हैं हमने इसको दम पे रख दिया था और ये थोड़ा ऑयल आना स्टार्ट हो गया है इस पर, थोड़ा सा हम इसको ड्राई होने देंगे और ड्राई ऑलमोस्ट हो चुका है आप देख सकते हैं, थोड़ा के दिखाना आपको ये हमारे लिए जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। जस्ट 5 मिनट हम और देंगे ताकि अच्छे से जो है वो ऑयल सारा इसके ऊपर आ जाए। हियर इज़ माय टुडेज रेसिपी, आप देख सकते हैं इसका कलर, कोई नहीं कह सकता कि ये फली की सब्ज़ी है, इसमें ऑयल कितने अच्छे से आ चुका है और इसका कलर आप देख सकते हैं। और ये जो लोग नहीं खाते फली वो भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, उनको भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, डू शेयर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ सैन फॉर रिव्यू देना ना भूलिएगा, मस्ट ट्राई एट योर होम। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।